अदरवाइज अगर ये बात हो तो दिस इज ट्रू कि पाकिस्तान और चाइना की निस्बत चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है इस वक्त उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यस और वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए चूंकि ये दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलेटेड किस्म की कंट्रीज़ हैं। जी दोनों जो हैं वो ग्रोथ रेट जो है उसके एक बहुत ही फास्ट पेस्ड उस पर जो है वो चल रहे हैं। दोनों के अंदर जो है वो दुनिया की ह्यूज जो है वो मिडिल क्लासेस वो डेवलप हो रही हैं, जी एंड देयर फोर दोनों में ना सिर्फ ये है कि उनकी अपनी इंटरनल मंडियां जो है मार्केट्स दे आर एक्सपेंडिंग अनबिलीवेबली, बल्कि उनकी अपनी जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो है उसका भी दुनिया में वो हो रहा है। तो ये जाहिर है एक दूसरे के साथ तजारत तो इनका एक नागजीर बन जाता है, इट्स इनएविटेबल राइट एंड इट हैज़ टू बी दैट वे, चूंकि पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं फर्स्ट दे ट्रेड विद देयर ऑन नेबर्स जी एंड देन दे गो, और इफ यू आर एबल टू बाय समथिंग फॉर योर ऑन पीपल यू फर्स्ट लुक इन योर नेबरहुड के क्या आप ये चीज अगर इंडिया से खरीद सकते हैं जो 10 मिनट की ड्राइव पे है तो उसको छोड़ के तो आप जाके जापान से लेके आए, या इट डजेंट मेक सेंस। जी तो ये सबसे बड़ा जो है ना, दिस इज द ट्रेजेडी विच पीपल ऑफ पाकिस्तान और वहां की जो हुक्मरान हैं वो गुजरे हैं कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप जो है ना वो दूर दराज मुल्कों में जाके तो क्रिएट किए, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो वो एक जो है उससे फिर फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट डेकेड में इंडिया और चाइना के दरमियान तजारत जो है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो सीपैक का मनसूबा है हाँ जी उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल एक ऐसा अलग चीज है। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो है उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ये है कि वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो एक चेक और बैलेंस के लिए बाकी मुल्कों का उसमें होना जरूरी है, और दूसरा ये है कि बाकी मुल्कों को भी फिर एक रास्ता मिलता है एक दूसरी दुनिया के साथ जो है वो रबते का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है इस पूरे सीपैक की जो सिलसिला चल रहा है इसमें एक कंसर्न ये भी जेन्युइन है कि क्या वहाँ पे चाइना जो है वो अपना कोई नेवल बेस या कोई मिलिट्री बेस या कोई इस तरह के जो मिलिट्री यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आंसर इज यस, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसको ना तो नहीं करेगा। जी पाकिस्तान ना इसलिए नहीं करेगा कि पाकिस्तान हिस्ट्री जो है उसको अगर आप गौर से देखें माइक्रोस्कोपिक के अंदर डाल के तो यू विल सी कि पाकिस्तान हैज ए हिस्ट्री ऑफ गिविंग इट्स स्पेस टू द फॉरेन पावर्स एंड रिमोट फॉरेन पावर्स, ठीक है, जी स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये हमेशा जो है ना ये एक बहुत ही विशियस किस्म का साइकिल है कि जिस तरह के हमारे यहाँ होता था ना बर्रे सगीर में पार्टीशन से पहले और अब भी छोटे छोटे इलाकों में होता है कि कुछ लोग होते थे जो ताजर या लोकल बिजनेस पीपल या लोकल सेठ और लोकल आप उनको क्या कहते हैं हिंदी में एक खास लफ्ज़ है साहूकार। इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान अमेरिका का जो रिश्ता रहा है मोस्ट ऑफ इस हिस्ट्री दैट वाज दिस सेठ और गरीब का रिश्ता या साहूकार और आम आदमी का जो है ना वो रिश्ता था, जी के जो है वो पाकिस्तान ने जो पैसे लिए उधार या अमेरिका ने जो लैंड किए मनी इनको तो उसके जवाब में जाहिर है वो ने या तो कोई मारात ली, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन के खिलाफ फौजी अड्डा जो है पेशावर में जो है उनको दिया गया, जी तो वो फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल इंपीरियलिस्टिक जो मॉनिटरी जो मामलात हैं उसमें इतना फंस गया था कि इसका जो टोटल लोन है उसका इंटरेस्ट जो है वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट से भी बड़ा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये इसकी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान इफ इज गेटिंग लोन्स गेटिंग इनटू इन्वॉल्वमेंट जो दूसरी कंट्रीज के साथ जैसे पाकिस्तान का सीटो सेनेटो के साथ और दूसरे वेस्टर्न अलायंसेस का हिस्सा बन गया था, जी तो उसके बाद फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि कोई उससे क्या डिमांड करे तो वो उसको रिफ्यूज कर दें बिकॉज यू बिकम सो डिपेंडेंट राइट एंड सो वीक। या सेम सिचुएशन जो है ये कोई दोस्ती चीन और पाकिस्तान की कोई बराबरी की बुनियाद पे नहीं है, जी दोस्ती का मतलब होता है गिव एंड टेक, राइट तो यहाँ जो है वो गिव ही गिव है टेक जो है वो नहीं।
तो गिव यू गिव में जो रिश्ता बनता है उसमें एक फ्रीक जो नीचे है जो अपना पुअर नेबर है आपका जी, उसको फिर आप कोई ना कोई इसे जो है वो डिसएडवांटेज जो है उसका उससे फायदा उठा के तो आप कुछ एडवांटेज लेते जी। तो इसको अगर आप इतना खुला छोड़ देते हैं तो जाहिर है इसमें फिर ये मैं समझता हूँ कि स्पेस लेने वाली बात है। तो इसको ओपन करने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो 70 कंट्रीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कनेक्ट होती हैं, इन्वॉल्व नहीं है लेकिन दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड सम हो विद दिस प्रोजेक्ट जी। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि अगर इंडिया इसके साथ जो है वो कनेक्ट होता है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो क्रिएट होता है जी। और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होने का मतलब ये है कि फिर उसमें चूंकि ये ऐसा कोई अगर हरकत करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया की वहां पे फुल प्रेजेंस अगर है तो वो इसको खुफिया तरीके से नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप बाहर बैठ के इसको अपोज करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव नो से, आप फिजिकली यू कैन नॉट गो एंड स्टॉप चाइना टू बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम देयर बिकॉज यू हैव नो राइट टू डू सो, राइट? यू आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट जी। तो इसलिए मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब इसका तरीका ये है कि इफ यू वॉन्ट ए गारंटी फॉर टू स्टॉप द मिलिटराइजेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट गेट इन टू इट एंड दे आर इन्वाइटिंग यू, दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग इंडिया। मैं जैसा कि अक्सर अर्ज करता हूँ एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग के हाउ मिसगाइडेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान में जुलूस निकलने शुरू हो गए कि जी हाउ कैन यू डिक्लेयर इंडिया एज ए मोस्ट फेवरेट नेशन गिविंग द फैक्ट दैट ये कश्मीर में क्या हो रहा है, वो बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ये क्या कन्फ्यूजन था जी। कि आम आदमी को मुल्ला ने वहां पर यह बताया कि मोस्ट फेवरेट नेशन का मतलब ये है कि कोई बिलव्ड नेशन है ये एक दूसरे की। मोस्ट फेवरेट नेशन का ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब ये है कि ट्रेड के लिए, चूंकि पंजाब जो है उसके ऊपर तो ये एलिगेशन 1947 से लग रहा है कि पाकिस्तान जो कुछ है बांग्लादेश निकलने के बाद इज जस्ट पंजाब, उन्होंने सिर्फ इसका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है। बलोच जो हैं ऑल दो दे आर 43% ऑफ द लैंड रकबा जो है जी। लेकिन आबादी के अतबार से दे आर नथिंग, राइट? तो इसलिए वहां तो ऐसे नाम ही है बलोचिस्तान का, असल तो पंजाब है। फिर इस तरह सिंध है तो उनका आप देख लें, इस तरह पख्तूनख्वा है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये है तो ऑलरेडी पंजाब, तो अब इस बहस में बनने का कोई फायदा नहीं जी। लिहाजा इसका तरीका ये है कि आप ये जो चीज एक 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 इकोनॉमिक जो प्लान है इसको किस तरह जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अवाम के इंटरेस्ट में जी। अब ये जो बात कर रहे हैं इस पे तो बहुत लोग, ये भी एक रिजर्वेशन उनकी ये है कि अल्टीमेटली ये पंजाब ही रह जाएगा। हाँ जी भैया, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू एसोसिएट ओवर सेल्फ विद ए चाइना पंजाब प्रोजेक्ट। परफेक्ट, थैंक यू। कि पाकिस्तान की सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दे नो ये कि फ्रेगमेंट हो जाएगा। हाँ जी, या पाकिस्तान टूट जाएगा, तो इसलिए वो इससे पहले पहले जल्दी जल्दी चाइना से पैसे ले रहे हैं ताकि उससे पंजाब को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डेवलप कर दिया जाए। तो ये बहस तो एक अरसे से पाकिस्तान में, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि एक हल्के का ये ख्याल है। और जो लोग ये समझते हैं कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाकिस्तानी नाम का एक सेटअप होना जरूरी है, हाँ जी, that would be beneficial to India and all South Asia and all region. वो इसलिए हमें जो जरूरी है कि इसका सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट क्यों हुआ था, इसलिए कि वहाँ एक ऐसी सोच थी जो इस तरह के किसी चीज की हक में थी, एक सेपरेट काइंड ऑफ ए प्लेस, राइट? तो अगर आप उस प्लेस को आज हटा देते हैं अपनी जगह से तो देर विल बी स्टिल पीपल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु विल बी आस्किंग फॉर ए प्लेस लाइक पाकिस्तान। हाँ जी, लिहाजा इसका वहां होना जो है वो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन इसको इस तरीके से होना चाहिए कि इट शुड बी ए पॉजिटिव कंट्री प्लेइंग ऑन इट्स लिटिल रोल इन द रीजनल पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन लिमिटेशन, नॉट ए कंट्री जो कि एक ह्यूज मिलिटरी माइट
लेके तो एक ह्यूज अनबिलीवेबल किस्म का रोल जो है वो प्ले करे विच इज़ नॉट फिटिंग टू इट्स साइज. कुछ लोगों का ये ख्याल है बल्कि यकीन है कि पाकिस्तान जो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये डे वन से पाकिस्तान में डिस्कशन होती रही जी. उसमें वो एक दफ़ा टूट भी गया 1971 में जी. जब बांग्लादेश बना तो एक ह्यूज चंक इसका जो है पॉपुलेशन एज वेल एज जो लैंड है वो इसके हाथ से निकल गई. सो प्रैक्टिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, सो इट्स डन जी. उसके बावजूद पाकिस्तान के नाम से बाकी मादा लैंड जो है इट स्टार्टेड अगेन. तो अब अगर ये फिर कुछ ऐसे होगा फॉर एग्जाम्पल, तो मुमकिन है पंजाब जो है वो पाकिस्तान का नाम रख के तो फिर इसको कंटिन्यू रखे जी. तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि नाम में कुछ नहीं रखा है. दिस इज अबाउट ए मेंटेलिटी जिसको आप कहते हैं माइंडसेट, जिसमें हमने कुछ रखा है वो माइंडसेट, एंड उसी माइंडसेट में मैं इंटरेस्टेड हूं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के फ्रॉम द डे वन जब किसी ने ये आइडिया फ्लोट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिवीजन का एंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू होमलैंड टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, दैट वॉज ये एक ऐसी चीज थी कि जिसको बहुत कोशिश के बावजूद कंट्रोल नहीं किया जा सका. एंड अल्टीमेटली वी एंड अप विद ए प्लेस लाइक दिस. तो जब हम ऐसी चीज बना के वो बन गई तो फिर उसके साथ कई लोगों के अपने ख्वाब जुड़ गए, अपनी ख्वाहिशें जुड़ गई और मफादात जुड़ गए ऑन टॉप ऑफ दैट. स्पेसिफिकली जो बहुत ही हाईली फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है जी. उसने ये समझा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू, जो कि बाकी दुनिया में पॉसिबल नहीं, यूनाइटेड हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं, इवन दो के बांग्लादेश में पॉसिबल नहीं एनी मोर, चूंकि इन लोगों को वहां पर फांसी चढ़ा दिया गया इन मैस. 5-6-7 मुल्ला जो है उन्होंने एक ही उसमें जो है उनको चढ़ा दिया. तो ये वाहिद जगह उनको नजर आती है जहां पे ये खेल खेल सकते हैं इस टाइप का जो उन्होंने अफगानिस्तान में खेला था, कि वेयर यू रियली रियली हैव ए ब्रूटल अटैक ऑन द सोसाइटी, टेक ओवर, टेक ऑल देयर स्पेसेस, उनकी सिविल लिबर्टीज हैं, उनकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्रैश एवरीथिंग एंड देन इम्पोज समथिंग विच यू थिंक इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच इज नॉट द केस. तो इस जगह को वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं. इफ यू विल डू दिस इट विल गो इन टू फोर पीसेज. मुमकिन है इसमें से कुछ लोग खिते जो है वो वाकई आजाद हो जाए, बट देर ऑलवेज विल बी ए प्लेस जहां पर यह सोच मौजूद रहेगी.